दोस्तों, एक्चुअली मैं बहुत दिन से अपना एक तो रियर कैरियर अपना पल्सर में लगाना चाहता था, तो एक्चुअली कहाँ से लगाऊँ ये ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो ऑनलाइन में देखा था बहुत, लेकिन ठीक है, फिर सोचा अपने आप दिमाग लगा के थोड़ा कुछ कर लूँ, DIY ऐसा कुछ। तो मैं अपने जहाँ पर रहता हूँ अपने लोकेलिटी में, वहीं से आसपास एक तो गराज है जहाँ पे ये सब काम होता है। तो वहाँ पे जाके मैं वो भैया को बोला कि ऐसा ऐसा करना है, मेरे को आइडिया दिया उनको, तो वो बोला कि ठीक है, मैं जो बना दूंगा आपको वो एकदम फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में अगर चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं, अगर बॉक्स चेंज करना चाहते हैं छोटा या बड़ा वो भी कर सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो फिर खर्चा कितना आएगा ये वो सब कुछ डील हुआ है। खर्चा आप पूरा वीडियो देखिए, फिर कितना खर्चा हुआ क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली पहले कभी इस टाइप का मॉडिफिकेशन किया नहीं, मॉडिफिकेशन किया हूँ छोटा बहुत, लेकिन ये बॉक्स पहली बार लगा रहा हूँ। और मेरा पल्सर भी आप लोग देख पाइएगा कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा काम, छोटा मोटा ग्राफिक्स किया हुआ है। एक्चुअली आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा बाइक, और मेरा और एक बाइक है उसका भी वीडियो आने वाला है, और फिर चैनल में आएगा धीरे धीरे, वीडियो में देता रहूँगा कैसे कैसे मेरा बाइकिंग ब्लॉग्स आएगा, फिर धीरे धीरे वीडियोस। और हो सकता है मैं ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ ब्लॉगिंग के, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना आप लोग, और मेरा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला है बहुत सारे वीडियोस बाइक्स मॉडिफिकेशंस के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, राइडिंग के ऊपर और वगैरह वगैरह, बहुत सारे वीडियोस आने वाला है नेक्स्ट। तो प्लीज़ आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और डिसलाइक भी कीजिए अगर पसंद नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। देखिए अंकल, अभी थोड़ा बहुत हथौड़े से मार मार के ये साइज़ में ला रहा है, क्योंकि ये तो इसका साइज़ तो नहीं है, ये ऐसा साइज़ में लाना पड़ेगा। तो भैया बारीकी से अपना काम कर रहा है। तो ये दुकान में मैं जब आया, ये लोग एक्चुअली घर में जो ग्रिल एंड विंडो में जो ग्रिल्स वगैरह ऐसा लगता है ना, ये लोग इसका ऑर्डर लेता है। तो मैं जब बाइक लेके आया तो मेरा काम तो ये लोग के लिए बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी वो मेरे को अटेंशन दिया, मेरा काम सुना, फिर बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। बहुत अच्छा बिहेवियर किया वो लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी ये मेजरमेंट देख रहे हैं कि दोनों एकदम बराबर से साइज़ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। अभी हथौड़े से पीट पीट के इसको एकदम स्ट्रक्चर में ला रहा है। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी ये फाइलिंग चल रहा है, फाइलिंग का काम, बिकॉज फाइलिंग अगर ठीक से नहीं किया तो हाथ वाथ काट सकता है, एकदम चाकू के जैसा धार हो जाता है, हार्ड मेटल है ना। तो एकदम बारीकी से फाइलिंग चल रहा है ताकि सेफ्टी बजाय रखे। सेटअप बहुत अच्छा है दुकान का, दुकान में बहुत मशीन्स लगा हुआ है, बहुत कुछ एकदम फुल्ली सेटअप लगा हुआ है लोगों का। अब किसी भी तरीके से आएंगे तो आपका लोहे के रिलेटेड काम आपका बन जाएगा। अभी मेजरमेंट चल रहा है होल्स का, जहाँ पे वो स्क्रू बैठेगा उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाया, अब एकदम सब कुछ सेटअप एकदम तैयार है। अभी होल बना रहा है हाथ से मार मार के, बहुत जोर से मार रहा है, अरे बाप रे बाप।
अभी ड्रिलिंग कर रहे मशीन से। ये क्या होता है, ये साइज के ऊपर होता है, आपको अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा होल हो जाएगा, छोटा चाहिए तो छोटा होल हो जाएगा। वो ड्रिलिंग का जो ड्रिल होता है उसका साइज के ऊपर से ये लोग कर देता है, एकदम सुंदर करके दोनों एकदम बरोबर होल हो रहा है, हो गया। अब इसको बिठाया जाएगा, दोनों बिठाया जाएगा। ये जो ग्रैब हैंडल है ना, मैंने पहले बोला था ये जो पकड़ने के लिए जो ऊपर एक तो बार लगा हुआ है, इसको बोला था पहले कि ये नहीं लगाया जा सकता है अगर आप ऐसा ऐसा किया तो मैंने बोला कि नहीं ऐसे, ये तो लगाना चाहिए, ये तो लगाना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। तो फिर बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ कुछ अलग आइडिया मार के। तो फिर देखो ये ग्रैब हैंडल भी लग गया ऊपर काला वाला, और नीचे भी वो सेटअप हो गया है पूरा। तो अंकल को मैंने बोला है कि अंकल कितना लेंगे आप पैसा, तो अंकल तो पहले बोल रहे थे कि 600 रुपया दो। तो मैं फिर बोला कि 600 नहीं, चलो पूरा 500 ही ले लो, लेकिन ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ एकदम परमानेंट हो गया है। अब कोई, अब बाद में अगर बॉक्स का साइज भी बढ़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बॉक्स को खोल के वो वाला बॉक्स को लगा देना पड़ेगा बस। अब अंकल और एक अंकल आ गया है, कुछ बोल रहा है शायद, वो तो अपने मर्जी से काम कर रहे हैं बस, किसी का कुछ बात सुनाई नहीं दे रहा उनको। अभी ये स्ट्रक्चर ऊपर बैठेगा, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बॉक्स बैठेगा। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर अभी वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे दो एक साथ है तो दोनों को एक साथ वेल्डिंग कर रहा है ताकि मजबूत ज़्यादा हो, अच्छा से वेल्डिंग कर दे रहा है। वो जो नट है नट को वेल्डिंग कर दे रहा है, लेकिन स्क्रू जो है स्क्रू अंदर से ठीक ही रहेगा, वो खुल सकते हैं लगा सकते हैं, वो परमानेंट बना दे रहा है नट को। तो एकदम बारीकी से काम चल रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में खोलने के टाइम या फिर बाद में लगाने के टाइम। अभी ये स्ट्रक्चर बैठ जाएगा ऊपर, इसको भी बिल्डिंग कर दिया जाएगा। एकदम अच्छे से लगा दिया गया, छोटा मोटा कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। लोग देखिए अभी काम ख़त्म, लगा दिया गया है मेरा बॉक्स, आप लोग देखिए कि कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।